पिछले एक माह से संगठन द्वारा परेंडो बांधो अभियान निरंतर पूर्वक चलाया जा रहा है, जिसके शहर के विभिन्न स्थानों पर पीपे द्वारा निर्मित परिंडे बांधे जा रहे हैं। आज दिनांक 18 जून को गंगापुर के आवास संगठन द्वारा सत्यनारायण मंदिर की बगीची, कल्याण जी के मंदिर स्थित बगीची में मेला मैदान परिसर के विभिन्न स्थानों पीपे से निर्मित परिंडे हरिगोविंद कटारिया अध्यक्ष आम चौरासी गांव गुजर राज्य शर्मा पुजारी कल्याण जी के मंदिर के नेतृत्व में बांधे गए। इस मौके पर हरिगोविंद कटारिया ने कहा कि संगठन द्वारा चलाया जा रहा है यह अभियान बेजुबान पक्षियों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। इसमें इस गर्मी में जहाँ एक और कोरोना महामारी फैल रही उसी समय गंगापुर के आवास के कार्यकर्ताओं ने इन बेजुबान पक्षियों के लिए जो यह अभियान चलाया है वह वास्तव में बेजुबान पक्षियों के लिए दाने व पानी के लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ है। गंगापुर सिटी से प्रदीप बना की ये रिपोर्ट। इसका मौसम शुरू हो चुका है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने घरों के आसपास एक एक पेड़ जरूर लगाए और पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने में अपना सहयोग दे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है गंगापुर की आवास संगठन के द्वारा पिछले एक महीने से परिंडा लगाओ अभियान चलाया गया है, जिसके तहत हमने आज गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र के बड़ी उदय कला गांव में पीपली वाले बाबा के स्थान पर इस तरीके के परिंडे लगाए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ये पीपे को काट के परिंडे बनाए गए हैं, इसमें आप चूगा भी डाल सकते हो, साथ में पक्षियों के लिए पानी भी डाल सकते हो। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने घरों के आसपास इस तरह का एक एक परिंडा लगाए, जिससे गर्मियों में पक्षियों को पानी पीने की व्यवस्था हो सके, साथ ही इस भीषण गर्मी में पक्षियों को सूखने के लिए दाना मिल सके। और बारिश का मौसम शुरू हो चुका है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने घरों के आसपास एक एक पेड़ जरूर लगाए और पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने में अपना सहयोग दे। धन्यवाद। बोलो भाई, करो स्टार्ट। सभी गंगापुर की आवाज जो संगठन है इसके ये हमारे राजेश जैमनी जी के जो पार्षद हैं नगर परिषद में, इनके नेतृत्व में चल रहा है। भाई घटाना, नीरज, हमारे जैमनी साहब, हमारे सभी युवा साथी अलग अलग बहुत काम कर रहे हैं। बड़ा संगठन है, बहुत सा अच्छा काम करते हैं और कर रहे हैं ये लोग। लेकिन इन्होंने जो काम लिया है भीषण गर्मी के अंदर, कोरोना वायरस जो चल रहा है इसमें आम आदमी चिंतित है। ऐसे धर्म के कार्य तो हमारा गंगापुर का पहला इतिहास रहा है कि भामाशाहों की कमी नहीं, भोजन के पैकेट जगह जगह हुए। भामाशाहों ने अच्छा काम किया गंगापुर में, कोरोना जो उसकी युद्ध किया तो गंगापुर की एक मिसाल बना दी कि लोगों को कोई तकलीफ नहीं आने दी। और हमारे जो इस गंगापुर की आवाज़ जो संगठन है इसने जो मूक पक्षी जो बोलते नहीं है उनके लिए पानी के परिंडे उदय में भी गए हैं, नसिया कॉलोनी में गए, हर वार्ड में जा रहे हैं। जहाँ भी कोई बगीची है जहाँ जानवर ज़्यादा है, पशु पक्षी ज़्यादा है, वहाँ ये पानी के परिंडे, और वो भी इस तरह का जिसमें दाना भी रखा जा सकता है चारों तरफ। बड़ा अच्छा इन्होंने प्लानिंग से काम कर रहे हैं, आपके सामने हैं। और मैं तो इनको धन्यवाद देता हूँ कि इस भीषण गर्मी में सारा जो है हमारे पक्षी लोप हो गए, जगह जगह पक्षियों के ढेर थे, पक्षी नहीं मिल रहे हैं आज। वो कारण यही है, अभी 10 मोरे मरी, आप पूरे राजस्थान क्या इंडिया में एक बहुत बड़ी टेलीविजन पर चला था, वो मोर भी अभी उसकी रिपोर्ट आई है कि वो भीषण गर्मी में पानी की वजह से मरी। आपने जो ये पुण्य लिया है, ये जो धर्म का काम लिया है, धर्म में जो काम करता है, पुण्य का काम करता है, वो सदैव ईश्वर उसकी मदद करता है, वो शक्तिशाली होता है। उस आदमी में इतना एक तप करने के मुकाबले शक्ति होती है। और जो धर्म का काम करने वाले प्राणी, दूसरे प्राणी जो हमारा, इनसे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। लोग तो अपने निजी स्वार्थ के लिए भी जी रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई मरो कोई जियो। लेकिन हमारे गंगापुर में तो कम से कम अच्छे लोग हैं, गायों की सेवा इतनी की, गायों की सेवा गंगापुर में रिकॉर्ड कायम हुआ। आज जिस गाय में 1 क्विंटल वजन था वो 1.5 क्विंटल हो गया, आम गाय में इतनी ताकतवर हो गई। ये सब धर्मात्माओं की देन है। और हमारे जो इस संगठन ने गायों को भी चारा डालते मैंने देखा है, और इस कोरोना में गरीबों की मदद करते भी देखा है। और भाई राजेश ने मेरा भी सहयोग लिया, गरीबों को मदद करने के लिए मैंने दिया, मेरा भी सौभाग्य था, सही मार्गदर्शन इन्होंने दिया, वो काम मैंने पूरा किया। अब ये